गाइस, अगर हम लोग बात कर ले वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम बजट स्मार्टफोन की, तो इट वाज द बेस्ट प्रीमियम बजट स्मार्टफोन। और काफ़ी समय पहले की मैं बात बताता हूँ, तो ये जब मार्केट में लॉन्च हुआ था पहली बार, तो 30 से 35 थाउजेंड के अंदर हमें देखने के लिए मिला था। फ्लैगशिप लेवल का पूरा प्रोसेसर, कैमरा, सारा कुछ देखने के लिए इस फोन पे मिल रहा था हमें, जो कि और दूसरी कंपनी यहाँ पे नहीं दे पा रही थी। ये सेम फोन अब जो है प्रीमियम बजट स्मार्टफोन से फ्लैगशिप में कन्वर्ट हो चुका है। और ये बीच का जो जगह होता है 30 से 35 या 25 से 40 के बीच का जो प्राइस है, ये बीच का जगह खाली हो चुका। इसको, इस जगह को भरने के लिए काफी कंपनियों ने पूरा कोशिश किया, लेकिन नाउ गाइस फिर से वन प्लस ने एक तबाही, एक धमाका कर दिया है। फिर से वही वन प्लस ने एक फोन को इसी सेगमेंट में लॉन्च किया है, दैट इज वन प्लस जेड। तो यार, डोंट वेस्ट आवर टाइम और हम लोग यहाँ पर प्राइस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कब ये लॉन्च करने वाला और क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, अगर हम इस फोन के डिस्प्ले की बात कर ले, तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच की सुपर एमुलेट स्क्रीन यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, और 90 हर्ज की रिफ्रेश रेट के साथ इस फोन को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है, एंड मिडिल में एक पंच होल कैमरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। तो आगे बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ, तो बैटरी आपको 4300 mAh की यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, वो भी 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि आपको यहाँ पे वन प्लस 8 में भी देखने के लिए मिलता है। सेम इस फोन के हम लोग दिमाग की बात कर ले, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, प्लस यहाँ पे 5G इस फोन पे इनबिल्ड है, मतलब एक्सपीरियंस और भी तगड़ा यहाँ पर और खतरनाक होने वाला है। फोन के अगर हम लोग वेरिएंट की बात करें, तो 6GB से लेकर 12GB रैम के बीच में ये फोन देखने के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पर 128GB तक का स्टोरेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। गाइस, अब यहाँ से आगे बढ़ते और इसके कैमरे की बात कर ले, तो कैमरा आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप अभी तक देखने के लिए मिल रहा था रूमर के हिसाब से, लेकिन अब सुनने में आया है कि यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो भी प्राइमरी कैमरा 64MB का होने वाला है। और अगर इस प्राइस रेंज में अगर ऐसा कैमरा मिल जाता है, तो क्या खतरनाक कैमरा होगा, और काफी यूजर्स को ये पसंद भी आने वाला है। अब अगर हम लोग इसके डिजाइन की बात कर ले, तो इस पर थोड़ा अलग हटके वन प्लस ने इस फोन पे काम किया, जहाँ पे आपको कैमरा साइड पे देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस रियर साइड आपको गोरिल्ला ग्लास फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी। स्पेसिफिकेशन और बाकी सारी कुछ कंप्लीट हो गए, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ये इंडिया में कब लॉन्च करने वाला है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो जुलाई के मंथ में, मिड जुलाई में यहाँ पर इजिली हमें देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, और हर किसी के लिए एक एक्साइटमेंट बना हुआ है कि ये जो फोन है इतने ज्यादा रूमर्स के साथ ये किस स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। एंड प्राइस सेगमेंट की मैं बात करूँ, तो अभी के रूमर के हिसाब से आपको 20 से 30 थाउजेंड के बीच का ये प्राइस सेगमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। गाइस, इस रेट में अगर वन प्लस ने यहाँ पर इस फोन को ला दिया, तो काफ़ी फोन के लिए काफ़ी कंपटीशन की बात हो जाएगी, और देखने वाली बात ये होगी कि कितना बेस्ट ये फोन यहाँ पर रहता है। एंड गाइस, आपका कोई सजेशन या फोन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर तुम पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने वाला हूँ। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आता, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस वाले चैनल को। और मैं मिलता हूँ इस चैनल का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।